हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ किचन के टिप्स और ट्रिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं किचन को साफ रखने में और किचन का काम को ईजी बनाने में। तो मेरी फर्स्ट टिप है, सबसे पहले तो आप किचन को साफ़ रखने के लिए आप एक मैट लीजिए, एक रैग लीजिए, जो कि आप किचन के बाहर बिछा सकें। इससे क्या होगा कि जो आपके गंदे पैर हैं तो वो अंदर नहीं जाएंगे और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप है कि जो हम रोटी का डिब्बा यूज़ करते हैं उसे हमें रात को ही धो के रख देना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें यूज़ करना चाहिए फ्रेश सुबह सुबह, और इसे रोज़ धोना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जर्म्स हो जाते हैं। तो जर्म्स से बचने के लिए, बैक्टीरिया से बचने के लिए इसे हमें रोज़ वॉश करके ही सोना चाहिए और रोज़ वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हम टॉवल नैपकिन यूज़ करते हैं इसके अंदर रोटी लपेटने के लिए, जैसे कि ये है कपड़ा, और इसे भी हमें साफ़ रखना है तो इसे भी आप बदल बदल के यूज़ कीजिए, जो साफ़ कपड़ा है वो ही यूज़ कीजिए और रोज़ अलग कपड़ा यूज़ कीजिए। और इसे धोने के लिए आप डिटर्जेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी सारी जर्म्स निकल जाएं और ये बिल्कुल फ्रेश हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो मेरी नेक्स्ट टिप है, जब हम रोटी बनाते हैं उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारा आटा नीचे गिर जाता है और हमें बाद में उसको साफ़ करना पड़ता है, तो इसके लिए आप ये मैट यूज़ कर सकते हैं जो कि आप रोटी बनाते वक्त चकले बेलन के नीचे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आटा गिरेगा इसके ऊपर गिरेगा और इसको साफ़ करना बहुत आसान है। इसकी जगह न्यूज़पेपर मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें आग पकड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और ये बिल्कुल सेफ़ है। और इसके साथ साथ आप जो चकला बेलन यूज़ करते हैं वो आप रोटी बनाने के बाद रात को ज़रूर वॉश करके रख दीजिए ताकि सुबह बिल्कुल फ्रेश मिले आपको, और हमेशा इसको वॉश करके ही यूज़ कीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप कोई गर्म बर्तन को अपने शेल्फ पे रखना चाहते हैं किचन के, तो उसके लिए ये जो स्टील के रैक्स आते हैं इनका यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका मार्बल है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाएंगे किसी भी बर्तन की शॉप पे, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि देखिए तवे को मैंने उसके ऊपर रखा है, तो इससे क्या होगा, मार्बल जल्दी ख़राब नहीं होगा आपका। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब आप गीले बर्तन धो के रखते हैं तो उसको मार्बल पे अगर रखेंगे तो क्या होगा कि मार्बल पे निशान पड़ जाते हैं, और अगर आप स्टील रैक में रखेंगे तो स्टील रैक में जंग लग जाता है। तो इस तरह का प्लास्टिक रैक आता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग पार्टीशन दे रखे हैं सब कुछ रखने के लिए, जैसे कि बड़ा बर्तन रखने के लिए, गिलास रखने के लिए, चम्मच रखने के लिए, प्लेट्स रखने के लिए, तो इसका यूज़ कीजिए आप। और इसको मैं क्या करती हूँ कि सिंक के ऊपर इसको टाइटली यहाँ पे रख देती हूँ ताकि जो पानी है वो नीचे सिंक में ही चला जाए, और बर्तन सूखने के बाद इसे मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ स्टील रैक में। मेरी नेक्स्ट टिप है, जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं, जहाँ पे आपका सिंक है बर्तन का, तो उसके नीचे भी आपको एक मैट रखना चाहिए ताकि आपका जो भी पानी गिरे वो ये मैट सोख ले और जल्दी से आपकी किचन गंदी ना हो और गीली ज़्यादा ना हो। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप स्टोव यूज़ कर लें रात को तो उसे साफ़ करके ज़रूर सोइए ताकि आपको सुबह बिल्कुल फ्रेश मिले। और इस तरह के जो वाइप्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी जो किचन का क्लीनर है वो यूज़ कर सकते हैं या पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैं क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़ आपको करना है साइडों से, और इसके जो नॉब्स होते हैं उनको भी साफ़ ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे जो गंदे हाथ हैं इनके नॉब्स पे लग जाते हैं। और साथ ही साथ जो नीचे के रैक्स होते हैं हमारे किचन के, जो स्टोव के नीचे होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ गिरा रहता है, तो उसको भी साथ ही साथ आप साफ़ कर लीजिए ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बाद में। और साइड पे भी आप बिल्कुल साफ़ करके ही सोइए नीचे से, और इसके नीचे भी, स्टोव के नीचे भी ज़रूर साफ़ कीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर गिर जाता है जो कि रह जाता है, और उसके बाद फिर कॉकरोचेस आने का खतरा रहता है। तो इसके नीचे भी आप इसको, स्टोव को उठा के नीचे भी साफ़ कर सकते हैं, इस तरह से आप साफ़ कीजिए इसके नीचे भी। और
देखिए मैं इसको जब इसके बाद क्या करती हूँ कि जो नीचे के रैक्स हैं, जो ड्रॉर्स हैं, उनको भी ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ ताकि बाद में मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें भी गंदे हाथ हमारे लगते हैं। हम बार बार इसको खोलते हैं जब भी हमें कोई सामान चाहिए कुकिंग करते वक्त, तो इसको भी साथ ही साथ साफ़ कर लीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप है, जो भी आप डस्टबिन यूज़ करते हैं किचन में तो उसको आप साफ़ सुथरा रखें, उसको हो सके तो 2 दिन बाद धो लीजिए, और इससे क्या होगा कि मच्छर नहीं आएंगे, और साथ ही साथ आप उसको इसी तरह से पॉलिथीन लगा दीजिए उसके अंदर, ताकि जो भी आप गंद फेंकें इस पॉलिथीन में जाए और डस्टबिन जल्दी से गंदा ना हो, और इस पॉलिथीन को आप ऐसी एज इट इज़ जब ये भर जाए तो उठा के आप गार्बेज में दे सकते हैं। इससे आपकी किचन साफ़ रहेगी और बदबू भी नहीं आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है, जो ये वाइप्स हम यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए किचन के शेल्फ़ को, काउंटर टॉप को, तो उसको साफ़ रखने के लिए आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है थोड़ी देर के लिए, और उसके अंदर आप विनेगर डाल सकते हो या नींबू डाल सकते हो, और उसके अंदर आपको रात भर इसे भिगो देना है, जो ये वाइप्स होती हैं। इससे क्या होता है कि जो ये वाइप्स होती हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं, बिल्कुल जर्म फ्री हो जाती हैं। तो देखिए मैं पानी गर्म कर दिया है और उसमें थोड़ा सा ये लेमन डाल रही हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको भिगो दूंगी, और 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप भिगो दिए, जितना गंदा है उतना ज़्यादा देर आप भिगो सकते हैं इसको। मेरी नेक्स्ट टिप है, जो ये सिंक होता है ये कई बार ब्लॉकेज हो जाती है ड्यू टू ऑयल, इसके अंदर चला जाता है, कुछ ऑयली चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको धोते हैं तो ऑयल चला जाता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हफ्ते में ज़रूर इसके अंदर गर्म पानी और विनेगर डालिए ताकि आपकी जो पाइप्स हैं वो खुल जाएँ और ऑयल जो है वो सारा का सारा निकल जाएगा इस गर्म पानी से। मेरी नेक्स्ट टिप है, कई बार क्या होता है जो हमारा ग्राइंडर होता है, जो मिक्सी होता है, उसका ब्लेड्स जो है वो शार्प नहीं रहते और अच्छे से कटिंग नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर नमक डालना है और ये मिक्सी को हमें चला देना है, तो उससे क्या होगा हमारे जो ब्लेड्स हैं वो शार्प हो जाते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप ये जो रिफाइंड का या घी का कंटेनर होता है जब आप कबर्ड में रखते हैं किचन की, तो उसके नीचे ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड रख दीजिए, तो उससे क्या होगा जो भी घी का निशान होगा वो इसके ऊपर ही आएंगे और आपके जो कबर्ड है उसको गंदा नहीं करेंगे। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब हमने हरी मिर्च काटनी होती है तो हम चाकू से काटते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है हमारे हाथ में बिल्कुल जलन हो जाती है और वो कई दिन तक रहती है और जलता रहता है हाथ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसके लिए सीजर्स रखिए किचन के अंदर, जो किचन सीजर्स होती हैं, तो उससे आप हरी मिर्च को काट सकते हैं और इससे क्या होगा आपके हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब आप दाल बना रहे हैं, उसे बॉईल कर रहे हैं, विसल दिलाना चाहते हैं, तो आप साथ ही साथ उसके नमक डाल दीजिए, इससे क्या होगा आपकी दाल जल्दी गल जाएगी और बहुत अच्छी गल जाएगी, और जो बाकी के मसाले हैं वो आप तड़के में डाल सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप दाल बना रहे हैं आपने नमक तो डाला ही है, साथ ही साथ आप कोई भी ऑयल इसके अंदर डाल दीजिए जब आप बॉईल कर रहे हैं दाल को, चाहे घी डालिए चाहे रिफाइंड डालिए, तो इससे क्या होगा जब आप बॉईल करेंगे तो पानी विसल के साथ साथ बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट टिप है, जब आप प्याज काटते हैं तो आंसू जरूर आते हैं, तो ये सबसे कॉमन टिप है कि आप प्याज काटते हुए उसको पानी में डाल दीजिए पहले, तो आपको आंसू नहीं आएंगे और जलन नहीं होगी, या फिर एक आलू को काट के रख लीजिए अपने पास, तो इससे क्या होगा प्याज काटते हुए आपको आंखों में आंसू नहीं आएंगे और जलन भी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है, जब भी आप कुछ बना रहे हैं जैसे कि दाल ही बना रहे हैं और कंटेनर उतारते हैं ऊपर से कबर्ड से, तो साथ ही साथ उसको साफ कर लीजिए और उसके बाद रखिए, इससे क्या होगा एक एक करके आपके सारे कंटेनर रोज साफ हो जाएंगे, तो आपको बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे किसी साफ कपड़े से क्लीन करके वापस रख दीजिए। नेक्स्ट टिप है, अगर आप किसी ऐसे कंटेनर में कोई भी बिस्किट नमकीन रखते हैं, कोई मसाला रखते हैं और उसका जो कैप है वो गुम हो गया हो, तो आप उसे इस तरह के फॉइल पेपर से रैप कर सकते हैं ताकि वो सिले नहीं। देखिए इस तरह से आपको रैप करना है, वो जल्दी से नहीं सिलेगा फिर। और अगर आप चाहते हैं कोई सामान जल्दी से ना सिले,
और कैप भी आपके पास है उसकी, तो उसके लिए आप इसको इस तरह से रैप कर लीजिए और इसके ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये घूम जाता है, तो इससे क्या होगा, जो भी सामान इसके अंदर है वो जल्दी से मॉनसून में ख़राब नहीं होगा, जल्दी से सिलेगा नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स या कोई भी बिस्किट नमकीन रखते हैं गेस्ट के आगे, तो अगर आपको गेस्ट को आने में थोड़ी देर है या वो यूज़ नहीं कर रहे और आप उठा भी नहीं सकते उनके सामने से, तो आप इस तरह का रैपर यूज़ कर सकते हैं। ये किचन के लिए आता है, इससे क्या होता है कि जो भी आपका कंटेनर है वो सील हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है। तो इसको थोड़े टाइम के लिए एयर टाइट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस प्लास्टिक शीट्स को, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, जब भी आप किचन में आटा गूंद रहे हैं या फिर सब्जी काट रहे हैं, तो ध्यान रहे आपके नेल्स बिल्कुल छोटे हों और उसके अंदर कोई भी गंद ना हो। आपको अच्छे से साबुन से वॉश करना है और साथ ही साथ आपको नेल पेंट का यूज़ नहीं करना। अगर आप नेल पेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके सारे जो केमिकल्स होते हैं वो आटे के अंदर चले जाते हैं, और अगर आपके नेल्स बड़े हैं और उनके अंदर जर्म्स हैं तो वो भी आटे के अंदर जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अपने नेल्स को बिल्कुल साफ रखिए, अपने हाथ को बिल्कुल साफ रखिए और नेल पेंट का यूज़ मत कीजिए जब आप आटा गूंद रहे हैं या किचन का काम करते हैं।